गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम हिंदी टू में सही उत्तर पर निशान लगाएं, इसको सीखेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं बेटा, उस प्रश्न का चार चार उत्तर दिया हुआ है, उनमें से एक उत्तर क्या है, सही है। तो आपको सही उत्तर पे क्या करना है, निशान लगाना है, आपको सही का निशान वहां पे लगाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या राइट है और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, नंबर वन में देखिए, उपवन का अर्थ होता है, उपवन का अर्थ इन चारों में से जो होगा उस उत्तर पे हमको सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, क में है बगीचा, ख में है हिम्मत, ग में है रुकावट और घ में है स्थिर। तो उपवन का अर्थ तो आप लोग जानते हो, उपवन किसको बोलते हैं बेटा, बगीचा को बोलते हैं। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, नंबर टू में देखिए, धृतराष्ट्र के कितने बेटे थे। आप लोगों ने ये चैप्टर पहले पढ़ा है, कौरव और पांडव की कहानी आप लोगों ने चैप्टर भीम में पढ़ा था। ठीक है, तो उनमें आप लोगों देखे थे बेटा कि धृतराष्ट्र के पुत्र को कौरव कहते हैं और पांडु के पुत्र क्या कहलाते थे, पांडव कहलाते थे। तो धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, उसमें इन चार आंसर से जो सही आंसर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए, क में है 15, ख में 5, ग में 10 और घ में 100। तो आप देखिए बेटा, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे आप लोग जानते हो, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनको क्या कहते थे, कौरव कहते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, सही वाक्य पर निशान लगाएं। यहाँ पे आप देखिए वाक्य जो है, जो दिया हुआ है, इनमें से एक वाक्य सही है या इनमें से कोई भी वाक्य सही नहीं है, आपको इसको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ पे देखिए, समय है दोपहर का, है दोपहर का समय, दोपहर का समय है और चौथा ऑप्शन है बेटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही जो वाक्य है, दोपहर का समय है, आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, आश्रय का अर्थ है, आश्रय जो शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, सहारा, शासन, सब ओर या बेचैन। तो आप लोग अपनी किताब में पढ़े हो, आश्रय का अर्थ आप लोग के बुक में दिया हुआ है बेटा, आश्रय का अर्थ होता है सहारा देना। तो आप यहाँ सहारा पर सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, नंबर 5 में, एक प्लस अधिकार, आपको इन दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। अब एक प्लस अधिकार को जोड़ेंगे तो यहाँ पे चार आंसर दिया हुआ है, एक अधिकार, एकाधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो एक और अधिकार को जोड़ोगे तो बेटा, तो एक तो होगा नहीं, अधिकार भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एकाधिकार। आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, नंबर 6 में है, बनबीर किसका पुत्र था, राजा का, दासी का, मंत्री का या इनमें से कोई नहीं। तो बनबीर जो था बेटा, आप लोग पाठ 10 में और वात्सल्य हार गया, इस पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है कि बनबीर किसका पुत्र था, दासी का पुत्र था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ख नंबर में, दासी का पुत्र था, बनवीर दासी का पुत्र था। नेक्स्ट नंबर में देखिए लिखा हुआ है, मस्तिष्क का क्या अर्थ होता है, मस्तिष्क जो शब्द है उसका अर्थ आपको बताना है, पढ़ना, काम, अध्ययन या दिमाग। तो मस्तिष्क का अर्थ होता है बेटा दिमाग, आप यहाँ पर सही का निशान लगाइए। नंबर 8 में है बेटा, महाराणा सांगा के कितने पुत्र थे, आप लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक में
पाठ 10 में और वात्सल्य हार गया में आप लोग पढ़े थे महाराणा सांगा के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। पहला बड़े पुत्र का नाम क्या था, विक्रमाजीत, और छोटे पुत्र का नाम था उदय सिंह। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है 2, 3, 4 या 6। तो आप देखोगे तो महाराणा सांगा के दो पुत्र थे, विक्रमाजीत और उदय सिंह। तो एक क में दिया हुआ आंसर, आप यहाँ पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है, पन्ना धाय ने मातृभूमि के लिए किसकी बलि चढ़ा दी। आप लोगों ने पढ़ा था पन्ना धाय ने राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन की बलि चढ़ा दी। क्या की थी पन्ना धाय बेटा, पन्ना धाय उदय सिंह को नौकर के हाथ से गंभीरी नदी के तट तक जाने को बोलकर उसकी जगह पर राजकुमार के कपड़े पहनाकर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था, और बनवीर आकर क्या किया था, तलवार से उसके पुत्र को उदय सिंह समझकर टुकड़े कर दिया था, काट दिया था। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, पन्ना धाय ने मातृभूमि के लिए किसकी बलि चढ़ा दी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ आंसर, पति की, पुत्र की, चाचा की या अपनी। तो किसकी बलि चढ़ा दी थी बेटा, पुत्र की। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाइए। नेक्स्ट है, ग्रीष्मा अवकाश का अर्थ होता है, ग्रीष्मा अवकाश का अर्थ क्या होता है, दशहरे की छुट्टियाँ, जाड़े की छुट्टियाँ, गर्मियों में होने वाली छुट्टियाँ, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि नीम की कहानी में आप लोगों को मैंने बताया था, ग्रीष्मा अवकाश का अर्थ होता है गर्मियों में होने वाली छुट्टियाँ। तो एक ग में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाइए। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सही सब बताएं, यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है, तीन सब लिखे हुए हैं और चौथा आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इन तीनों में कोई सही नहीं होगा तो आप चौथे नंबर पे सही का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है परिश्रम और आप यहाँ देखिए परिश्रम, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा होगा, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बेटा प र में बड़ी ई श्रम दिया हुआ है। इस तीन में अगर सही है तो आपको टिक लगाना है, अगर सही नहीं होता है तो आप इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा सही है बेटा, ख नंबर, ख में हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन आप पढ़ोगे और अधिकतर आप अपनी कहानी जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है उसके बीच से क्वेश्चन जरूर आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, और आप लोग जब अच्छे से कहानी पढ़ोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आसानी से बना पाएंगे। ओके बेटा।